amorphous solids. Now, what does amorphous mean? A means not. Morph means form. Not form का मतलब ये होता है कि इनका shape fixed नहीं रहेगा. शेप फिक्स नहीं रहेगा इन सॉलिड्स का, इसलिए नाम दिया अमॉर्फस सॉलिड्स. अब क्वेश्चन है कि इनका शेप फिक्स क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रहेगा वो इररेगुलर रहेगा. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इररेगुलरली अरेंज एंड देयरफॉर these type of solids do not have particular shape, fixed shape. Hence, the solids in which constituent particles are irregularly arranged, not regularly arranged, are known as amorphous solids. Repeating definition, the solids in which constituent particles are not regularly arranged in a definite geometric pattern are known as amorphous solids. इनके और दो नाम दिए गए हैं, कौन से? तो एक रहेगा pseudo solids और इनको ही कहते हैं super cooled liquids. Now why pseudo solids? क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं करते हैं, इसलिए सुडो मींस नॉट जेन्युइन, नॉट ट्रू कहा गया है. पूरी तरह से सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को ये एग्जिबिट नहीं करते, इसलिए इनको नाम दिया है सुडो सॉलिड्स. तो व्हाई सुपर कूल्ड लिक्विड्स? क्योंकि ये सॉलिड्स बनाते समय लिक्विड को वेरी लो टेम्परेचर पे या आइस कूल वाटर में पोर किया जाता है, जिसके कारण जो सॉलिड्स बनते हैं वो एमॉर्फस फॉर्म में चले जाते हैं. व्हाई लिक्विड्स? बिकॉज़ दीज सॉलिड्स शो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. इन्हें बनाते समय इनके लिक्विड को सुपर कूल्ड वाटर में पोर किया जाता है, हेंस सुपर कूल्ड. ये सॉलिड्स लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, इसलिए लिक्विड्स. व्हाट आर द टू नेम्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स? फर्स्ट इज सुडो सॉलिड्स, सेकंड इज सुपर कूल्ड लिक्विड्स. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स आर जस्ट कंट्रारी टू द crystalline solids, just opposite रहेगी. जैसे first characteristic कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे crystalline solids में particles are regularly arranged. यहाँ क्या होगा, particles are randomly arranged. Particles का arrangement किस प्रकार से होता है amorphous solids में? Random arrangement रहेगा, no regular arrangement of constituent particles in these solids. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिस्टलाइन में क्या दिया था कि दे मेल्ट एट अ फिक्स्ड टेंपरेचर, लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा. दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेंपरेचर. मतलब क्या होता है, ये सॉलिड्स मेल्ट होने के लिए कुछ घंटे, दिन या महीने भी लग सकते हैं, इसलिए कहा जाता they do not have sharp melting point, they melt over the range of temperature. जब हम इन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं और एंड दे स्टार्ट टू फ्लो. ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन एंड दे स्टार्ट टू फ्लो. ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी. देन थर्ड कौन सा रहेगा? तो देखो बेटा, यहां हमने लिखा है कि दे पजेस एन आइसोट्रॉपी. What about amorphous solid? They possess isotropy. मतलब क्या होगा कि इनमें physical properties का value बिल्कुल same रहेगा in different directions.
एंड लास्ट में देखिए यहां हमने लिखा था दे पजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर व्हाट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड दे पजेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या होता है जस्ट एक या दो एटम्स तक ही इनमें पैरामीटर का वैल्यू सेम रहेगा उसके बाद बदल जाता है इसलिए दे एक्सिबिट दे पजेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर एग्जांपल्स टार बटर पेपर प्लास्टिक वुड नेचुरल पॉलीमर्स ग्लास मेनी एग्जांपल्स आर देयर सो दिस वाज अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अमॉर्फस में ए मींस नॉट मॉर्फ मींस फॉर्म नॉट फॉर्म का मतलब होता है कि इनका शेप फिक्स्ड नहीं रहेगा शेप फिक्स क्यों नहीं रहेगा क्योंकि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड इनका ही दूसरा नाम क्या रहेगा सुडो सॉलिड्स सुडो का मतलब होता है नॉट जेन्युइन क्यों ऐसे कहा जाता है क्योंकि ये सॉलिड्स सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पूरी तरह से एक्सिबिट नहीं करते नेक्स्ट सेकेंडरी जीवा सुपर कूल्ड लिक्विड्स इनको बनाते समय इनके लिक्विड को सुपर कूल्ड वाटर में पोर किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर और लिक्विड्स क्यों कहना क्योंकि ये कुछ लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को भी एक्सिबिट करते हैं देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रैंडम रहेगा रेगुलर नहीं रहेगा therefore the solids in which constituent particles are not regularly arranged are known as amorphous solids then इनमें अरेंजमेंट कैसे रहेगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा अब कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही यहां पे पैरामीटर का वैल्यू सेम रहता है देन दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा द मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कौन सी रहेगी दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू देखो सेम मिलेगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस एग्जांपल्स कौन से रहेंगे टार रबर प्लास्टिक बेटर ग्लास वुड चारकोल नेचुरल पॉलीमर्स तो इस प्रकार से रहेगा अमॉर्फस सॉलिड देन फ्यू मोर टर्म्स आर गिवन ओवर हियर दो टर्म्स मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं regarding this classification of solids first is isomorphous solids and second is polymorphous solids isomorphous matlab kya hoga iso means same morph matlab form jin solids ka फॉर्म सेम रहेगा उनको हम आइसोमॉर्फस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एन ए एफ एंड एम जी ओ वी आर कंसीडरिंग ए पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स हियर इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक रहता है इसका भी स्ट्रक्चर सेम पाया गया है मतलब दीज टू कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स उसके बाद सोडियम टू फ्लोरीन रेशियो रहेगा 1:1 मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन की रेशियो रहेगा 1:1 मींस दोनों कंपाउंड्स में एटॉमिक रेशियो इज फाउंड टू बी सेम सच कंपाउंड्स आर सेम टू बी आइसोमॉर्फस देयरफॉर द कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर द कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमॉर्फस Two different compounds having same crystal structures are said to be isomorphous. Example kaun sa rahega? Sodium fluoride and magnesium oxide. Next example is CaCO3 and NaNO3. Next is Fe2O3 and Cr2O3.
Next is K2SO4 and K2SeO4. All these are the examples of isomorphous solids. Let us consider one more example, one more pair here, KCl and NaCl. इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, इसलिए हम इनको आइसोमॉर्फस नहीं कहेंगे. आइसोमॉर्फस व्हाट डस इट मीन? दो एग्जांपल्स हमने लिए, इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है क्यूबिक क्यूबिक. इन दोनों में एटॉमिक रेशियो भी सेम पाया गया है, इसलिए इन दोनों को कहना isomorphous. Therefore, two or more substances having same crystal structures are said to be isomorphous. Another examples are CaCO3 and NaNO3, Fe2O3 and Cr2O3, K2SO4 and K2SeO4, KCl and NaCl. These are not isomorphous. क्यों? क्योंकि इनकी properties तो same रहती है, but crystal structures are different. Now, next is polymorphous. Poly means क्या होगा बेटा? Many. Morph means क्या होगा? Form. So, जो कोई substance different forms में मिलता है, it is said to be polymorphous. Example लेते हैं. कार्बन आपने पढ़ा ही है, कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक डायमंड, ग्राफाइट एंड वन मोर फॉर्म इज हियर दैट इज फुलरेन. सब्सटेंस एक ही है, एलिमेंट एक ही है, बट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, सच सब्सटेंस इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस. Therefore, a substance which exists in two or more forms under different conditions of temperature and pressure is said to be polymorphous. Example is carbon, existing different forms like diamond, graphite, fullerene. Next example is silica. Anek forms milta hai, alpha quartz, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबालाइट. सब्सटेंस सेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, इसलिए भी इसको कहना पॉलीमॉर्फस. वन मोर एग्जांपल इज हियर कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी पॉलीमॉर्फस रहेगा, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है. एंड सच प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज allotropy. इस प्रकार से polymorphous. Once again repeating here, example हमने carbon लिया, carbon different forms में मिलता है, like diamond, graphite and fullerene under different conditions of temperature and pressure, such a substance is known as polymorphous. Therefore, a substance which exists in two or more forms under different conditions of temperature and pressure is said to be polymorphous. दूसरा example है silica, alpha quartz, beta quartz, cristobalite, ऐसे अनेक forms में मिलता, इसलिए polymorphous कहना. Calcium carbonate दो different forms में मिलता है, polymorphous कहलाएगा, and this property is also known as